हेलो फ्रेंड, मुस्कान्स किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं चिली इडली। इडली वैसे भी सामान्यतः सभी को पसंद होती है, लेकिन इडली का भी एक नए रूप में इसको हम बनाते हैं। इसके लिए लिया हुआ हमने 3 टेबल स्पून मैदा, 1/2 टेबल स्पून ब्लैक पेपर, 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट फॉर इडली। फ्रेंड्स, इसका बैटर बनाने के लिए मैदा, कॉर्नफ्लोर, हाफ टेबल स्पून ब्लैक पेपर, रेड चिली पाउडर, 1/2 टेबल स्पून नमक, इसमें पानी की सहायता से इसको धीरे धीरे मिक्स करना है और इसका एक बैटर बनाना है, जो बैटर ना ज्यादा थिक हो और ना ही ज्यादा पतला। अब इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे, हल्का सा थिक है। अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसमें लम्स ना पड़े। तो फ्रेंड्स, हमारा बैटर तैयार हो गया है। यहाँ पर इडली के पीसेस कर लिए हैं। अब इसको बैटर में इसकी कोटिंग करना है। कोटिंग करने के बाद फ्रेंड्स, अब हम इनको डीप फ्राई करेंगे। यहाँ पर हमने कढ़ाई को गर्म कर लिया है, अब इसमें हम इनको डीप फ्राई कर रहे हैं। तेल मीडियम होना चाहिए, ना बहुत ज्यादा हाई फ्लेम और ना ज्यादा लो, नहीं तो ये इसमें तेल बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेंगे और इडली भी हमारी रूम टेम्परेचर पर होनी चाहिए। हमारी बढ़िया कुरकुरी तलकर तैयार हो जाएंगी। फ्रेंड्स, ये हमारी लाइट कलर में आ गई हैं। अब हम इनको पलट कर और पकाएंगे एक साइड। फ्रेंड्स, ये अब शानदार पककर तैयार हो गई हैं। ऊपर से अच्छी दिख भी रही हैं, अंदर से क्रिस्पी भी दिख रही हैं। अब फ्रेंड्स, हम इनको निकालेंगे। फ्रेंड्स, अब यह हमने निकाल ली है। तो फ्रेंड्स, हमारी इडली सिककर तैयार हो गई है। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में 2 चम्मच ऑयल लिया हुआ है। इसमें गार्लिक 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून अदरक जो मैंने चॉप्ड किया हुआ है, 1 मिर्ची को भी मैंने चॉप्ड किया है, इसको मिक्स करेंगे। अब इसके बाद मैंने एक बड़ा प्याज लिया हुआ है, जिसके मैंने पीसेस कर लिए हैं। इसमें थोड़ा इसको चलाएंगे। 1 कैप्सिकम, 1 रेड कैप्सिकम, स्प्रिंग ऑनियन, इन सभी को हमें 1-2 मिनट पकाना है।
एक चम्मच रेड चिली पाउडर, आप चाहें तो मिर्ची अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं, रेड चिली सॉस एक टेबलस्पून, टोमेटो सॉस सॉस 2 चम्मच, इन सभी को मिक्स करना है अच्छे से। एक चम्मच विनेगर, फ्रेंड्स हमने जो कॉर्नफ्लोर घोल के रखा है उसको मिक्स करना है, फिर सभी को अच्छे से मिक्स करना है, थोड़ा सा वाटर भी ऐड करना है। ये सभी अच्छे से मिक्स हो गए फ्रेंड्स, अब इसमें फ्राई इडली डालेंगे। अच्छे से मिक्स करना है फ्रेंड्स, अब हम इसमें स्प्रिंग ऑनियन ऐड करेंगे। फ्रेंड्स अब हमारी चिली इडली बनकर तैयार हो गई है, अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। फ्रेंड्स अब हमने इसकी प्लेटिंग कर ली है, देखिए देखने में कितनी सुंदर दिख रही है, खाने में भी उतनी टेस्टी है, इडली उतनी ही क्रिस्पी है। आप इनको बनाइए, खाइए और बताइए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हाँ नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए ताकि जो भी न्यू वीडियो आए वो आप तक पहले पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।